कॉपी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे सार्फ AR6020 के बारे में, जिसमें कि बार बार पेपर जाम का कंप्लेन आ रहा है। तो इस वीडियो में हम कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट डोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो पेपर एक्सिट गाइड जो रोलर है, यहाँ में देखिए पहले हम शटर को ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ में पेपर फोल्ड हो जा रहा है, ऊपर में नहीं जा रहा है, यहाँ में पेपर फोल्ड हो जा रहा है, जो कि फ्यूजिंग यूनिट अपना रोटेट होके पेपर को ऊपर तक ला रहा है, मगर जो एग्जिट का मोटर है वो घूम नहीं रहा है, जिसका वजह से पेपर है वो फ्यूजिंग तक आके ही रुक जा रहा है और उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखिए यहाँ में जो एग्जिट रोलर है फ्यूजिंग में ही फोल्ड हो जा रहा है। चेक करेंगे।
का भी इशू आने की वजह से आपको बार बार पेपर जाम होएगा, और कभी कभी ऐसा भी होएगा 5 कॉपी 10 कॉपी निकालेंगे, पेपर बाहर आ जाएगा लेकिन फिर भी पेपर जाम दिखाएगा, और राइट डोर ओपन करके चेक करने से मशीन में एक भी पेपर फंसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी राइट डोर ओपन करके पेपर जाम का ब्लिंक करेगा। तो उस कंडीशन में ये सेंसर मेन इम्पॉर्टेंट है। इस सेंसर की वजह से मशीन में पेपर नहीं फंसा रहेगा, तो भी इसे बार बार पेपर फंसा करके ऐसा इंडिकेशन करेगा कि मशीन में पेपर फंसा है करके। तो यहाँ में हम इस सेंसर को भी चेक कर लेंगे, और यहाँ में हमने सेंसर को लगा दिया है। तो चलिए हम एक बार मशीन में इसको डालेंगे फ्यूजिंग यूनिट को, और उसके बाद इसको रिजल्ट देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि साथ में जो इसका मॉडल है, पेपर जाम का कंप्लेन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। अगर केयरफुली सेफली फ्यूजिंग यूनिट को ओपन नहीं फ्यूजिंग यूनिट को सेफली केयरफुली एकदम ओपन करिए और उसको अच्छे से बंद करिए, थोड़ा सा मिस्टेक होएगा, बार बार पेपर जाम प्रॉब्लम आता रहेगा। खास तौर से वो सेंसर का मेन ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका खराब होने की वजह से कई सारा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा। एक तो जैसा पेपर अभी फंस रहा है, फोल्डिंग हो रहा है, आपका एग्जिट मोटर घूम नहीं रहा है, ऐसा प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलेगा। पेपर जाम का भी कंप्लेन मिलेगा और रोलर से ऊपर नहीं आएगा, और सेकेंड चीज़ ये है कि एग्जिट मोटर भी नहीं घूमेगा, क्योंकि एग्जिट मोटर ही जो है वो पेपर सेंसर जो है फ्यूजिंग जो सेंसर है जो हमने अभी चेंज किया फ्यूजिंग सेंसर, वो क्या करता है जब पेपर उसके पास आ जाता है तब वो मशीन को इंडिकेशन करता है कि मेरे पास पेपर आ गया है, और ये बोर्ड को इन्फॉर्मेशन देगा, और ये उसके बाद मोटर अपने आप रोटेशन होने लगेगा। और उस कंडीशन में अगर सेंसर काम नहीं करता है तो वो सेंसर एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल होने की वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो आगे इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाएगा कि पेपर मेरे यहाँ तक आया है कि नहीं आया है। तो इस वजह से बार बार पेपर जाम होने का चांस बना रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ में चेंज कर दिए हैं, और अभी हम लोग जीरोक्स मार के चेक करेंगे। ये देखिए जो सामने रोलर है, देखिए अभी रोलर प्रॉपरली घूमने लगा, जो कि उस टाइम में ये रोलर घूम नहीं रहा था, और न घूमने की वजह से बार बार पेपर जाम हो रहा था, पेपर फोल्डिंग हो रहा था। तो चलिए हम 5-6 जीरोक्स और मार के चेक करेंगे, और यहाँ पे रोलर भी फिर से चेक कर लेंगे कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ये देखिए रोलर प्रॉपरली घूम रहा है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।